चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। हरियाणा राज्य के करनाल जनपद में करनाल से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर बसा शहर असंध। दक्षिण की ओर से सफेदों की ओर से असंध में प्रवेश करने पर डिवाइडर युक्त सुंदर एवं स्वच्छ सड़क विकसित असंध में प्रवेश का एहसास कराती है। बाईपास, बस स्टैंड आदि से होकर सड़क गीता कॉलोनी आदि क्षेत्रों से गुजरती है। असंध शहर में स्थानीय वाहनों को HR 40 क्रमांक से पंजीकृत किया जाता है। सफेदों मार्ग उत्तर की ओर बढ़ते हुए शहर के सबसे मुख्य एवं व्यस्त चौराहे जींद चौराहा पर पहुंचती है। यह चौराहा असंध का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ पश्चिम की सड़क जींद रोड, उत्तर पूर्व में करनाल मार्ग एवं उत्तर की ओर गुरुद्वारा मार्केट असंध के मुख्य बाजारों में प्रवेश करता है। चौराहे के निकट ही गुरुद्वारा साहिब का परिसर स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। उत्तर पूर्व में करनाल मार्ग के रूप में जाने जाने वाली सड़क असंध शहर की भव्यता एवं आधुनिक शहरीकरण की छवि प्रस्तुत करती दिखाई पड़ती है। असंध के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 36,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनपद करनाल में करनाल एवं घरौंडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर 1801 के आसपास अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। ब्रिटिश राज में ही यह करनाल जनपद में सम्मिलित हुआ एवं एक तहसील के रूप में पहचाना गया। करनाल मार्ग उत्तर पूर्व में बढ़ते हुए सालवन चौक से होकर गुजरता है। सालवन चौक से पश्चिम में डाकखाना वाली गली से मुख्य बाजार में प्रवेश किया जाता है। पूर्व में जाने वाली सड़क सालवन होकर घरौंडा एवं पानीपत से जोड़ती है। असंध करनाल जनपद के 4 उपमंडलों में एक है। सालवन मार्ग पर असंध शहर का तहसील परिसर, उपमंडलाधिकारी कार्यालय एवं न्यायिक परिसर आदि स्थापित हैं। सालवन चौक से करनाल मार्ग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार असंध को महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण किरदार जरासंध से जोड़कर भी देखा जाता है। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होने पर यह हरियाणा का हिस्सा बना। 1989 में पानीपत जनपद का गठन होने पर असंध को पानीपत जिले से जोड़ा गया, किंतु कुछ समय पश्चात ही पुनः करनाल जनपद में जोड़ दिया गया। करनाल मार्ग नानकपुरा चौक से होकर करनाल की ओर प्रस्थान कर जाता है। नानकपुरा चौक से उत्तर की सड़क रसीना की ओर एवं पश्चिम में सड़क कॉलेज रोड के रूप में राजौंद मार्ग की ओर जाती है। जींद चौराहा से पश्चिम की ओर जींद मार्ग भी शहर की मुख्य सड़कों में एक है। असंध में हुए विकास कार्यों को देखकर यह मिनी करनाल जैसा प्रतीत होता है। असंध करनाल जिले का महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर भी है। जींद मार्ग एक महत्वपूर्ण तिराहे से गुजरता है। यहाँ पश्चिम की सड़क राजौंद एवं कैथल की ओर प्रस्थान कर जाती है। जींद मार्ग तिराहे से दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है। यह सड़क मोहना गांव मोड़ एवं बाईपास को क्रॉस करके जींद की ओर प्रस्थान करती है। असंध जैसे विकसित शहर को कैमरे में कैद करना बेहद आनंदमयी अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। असंध शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो असंध एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।